हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे रिपेयर करना कि नो डिस्प्ले, कि नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम को हम कैसे रिपेयर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इस पोर्ट को ऑन करते हैं, डायग्नोस्टिक आर्ड है, इस पर C1 का एरर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये प्रॉब्लम जो है वो रैम से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें रैम खराब होगा या रैम सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हमें रैम सेक्शन को चेक करेंगे कि रैम सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर रैम सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम जो है वो रैम से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सर, ये मल्टीमीटर को 20 किलो या 20 डीसी रेंज पे या 200 डीसी रेंज पे सेट करके रैम स्लोट को चेक करेंगे। इस पे आना चाहिए ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.5 समथिंग। तो इस पे हम चेक कर सकते हैं रैम पे कि रैम पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको ऑन करते हैं 1.6, मतलब रैम स्लोट पे सप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा रैम सेक्शन ओके है, ठीक है। प्रॉब्लम किसमें है? बोर्ड के अंदर, सॉरी, रैम सेक्शन ओके है, प्रॉब्लम जो है वो रैम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 1.6, मतलब इसमें जो रैम लगा है वो DDR3 है। DDR3 की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है 1.5 होती है, DDR1 की होती है 2.5, DDR2 की होती है 1.8, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम रैम को रिपेयर करेंगे। तो रैम को कैसे रिपेयर करें वो भी देखते हैं। उसके लिए हम इसको पहले ऑफ करते हैं। सबसे पहले तो रेजर से इसको साफ करेंगे। इसके जो ये जो इस पे कार्बन आ जाता है, इसके जो पिन है इस पे कार्बन आ जाता है, इसके वजह से हमारा रैम काम नहीं करता है। तो इसको अच्छी तरह से हम रेजर से इसको साफ करेंगे, इसको पिन को साफ करेंगे। इसमें कार्बन आ जाने की वजह से जो है नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है बोर्ड के अंदर। तो अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद आपके पास यहाँ पे थिनर है, थिनर से इसको अच्छी तरह से वाश करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें जो भी डस्ट कार्बन जो आईसी और कंपोनेंट के अंदर है वो क्या होगा, साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और हमारा जो रैम है वो रिपेयर हो जाएगा, प्रॉपर काम करने लगेगा। इसको नॉर्मली असेंबली से हीट करेंगे, इसके जो भी थिनर है उसको सुखाएंगे। अगर नहीं सुखाएंगे तो बोर्ड में शॉर्टिंग भी हो सकती है। इसको इस तरह से साफ कर लेंगे, हीट करेंगे। इसमें पैक रजिस्टर और नॉर्मल टाइप के जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर वो लगे होते हैं, ये चिप लगा हुआ है, छोटे छोटे नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हैं। चिप रजिस्टर ज्यादातर खराब होता है, इसमें साफ कर लेंगे, फिर इसको हम चेक करेंगे। अब इसको लगाते हैं रैम को, स्लोट पे इसको लगाएंगे और इसको ऑन करते हैं। डिस्प्ले आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, चेक कर सकते हैं।
कीबोर्ड में भी डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले हमारा आ गया, पहले C1 कोडिंग आ रहा था, अब क्या हो गया 9-1 आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ऐसे ही हम किसी भी रैम को किसी भी बोर्ड को इजीली रिपेयर कर सकते हैं।